अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब। प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और एक ये भी बताऊँ कि देखिए, ये सिर्फ एक साइंस है, एक नॉलेज है, एक इल्म है। बाकी आप मुझे सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देंगे तो मेरा तज़िया जो है वो करीब होगा। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वो चाहे तो हो, वो चाहे तो कुछ भी ना हो। तो ये जहन में रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जितना हेल्प आउट हो सकें आप। बाकी अल्लाह की ज़ात करम करने वाली है मेरे पंजतन पाक के सदक़े। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बात कराइएगा। हेलो 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 जी, फरमाइए खातून। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना। जी बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ। 6 अगस्त 1997 सुबह 8 बजे कराची में पैदा हुई। अच्छा जी, आपकी बहन का आ गया। देखिए माशाल्लाह, जहानत, दुनियावी चीज़ें तो मिलने में इसके कोई शक व शुबा नज़र नहीं आता, मगर खातून अज़्दवाजी ज़िंदगी, शादी का खाना वो बुरी तरह ख़राब हुआ हुआ है। सुन रही हैं आप? वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अल्लाह ताला इस मामले में मुझे गलत साबित करे और अल्लाह इसके लिए बेहतर कर दे। मेरी दुआ है कि मैं गलत हो जाऊं, लेकिन आपका भला हो जाए इंशाल्लाह। ये चीज़ इसको बहुत तंग करेगी। अब मैं कोशिश ही कर सकता हूं कि आपको इसके का किसी हद तक सलूशन बताऊं। देखें, नंबर एक तो अपनी बहन को कहिएगा आज के बाद रेड, ब्लैक ये रंग तो बिल्कुल ना पहने, मैरून भी उसी में शामिल है। दूसरा, हर हफ्ते के दिन, जैसे आज सैटरडे, तो पाव भर काली दाल जो है अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब को दे दें। और हर मंगल के दिन इनको कहिएगा कि अल्लाह भला करे, ये पाव भर लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। दूसरी चीज़, इनको कहें पढ़ना ज़्यादा होगा ताकि अल्लाह और करम कर दे इन पे, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 8 मरतबा। दरमियान में इन्होंने 8 मरतबा सूरह फातिहा, 8 मरतबा सूरह इखलास, 8 मरतबा सूरह कौसर, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह ताह पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में जो इस मामले में मुश्किलात आ रही हैं तो उनको अपने रहम करम से ख़त्म कर दे या दूर कर दे। तो इंशाल्लाह अल्लाह तो देखें, वो तो क़ादिर मुतलक है, अल्लाह अला कुल्ले शाइन क़दीर है। वो चाहे तो लम्हे में तमाम चीज़ों को ज़ाइल कर दे, मिटा दे, ये उसका इख्तियार है। जो इल्मी तकाजे थे वो मैंने आपसे शेयर कर लिए। दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप पे मेरे पंजतन पाक के सदक़े करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम खातून। हाँ भाई, ये मेरे भतीजे की डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 2017 शाम 3:45 बजे 2:45 और ये कहाँ पैदा हुए खातून? फैसलाबाद। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। फैसलाबाद, ये आपके भांजे आ गए, भतीजे सॉरी। और एक बात बताएं खातून, अल्लाह ताला इस पे अपना करम कर, इसको हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं हुआ पैदाइश के बाद? नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है। बहुत केयर कीजिए, बहुत केयर कीजिए और इसके लिए एहतियात कीजिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ मुझे करम हो जाएगा अल्लाह का, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम करेगी। और इसकी ना वालदा को कहिएगा इसकी दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखे, एक यूरिनल फंक्शन का पेशाब से रिलेटेड और दूसरा
हाँ किडनी भी उसी में आ गई, इसका खास ख्याल रखिएगा इसका। और बाकी दिल का बहुत अच्छा है, जिंदगी में कामयाब भी होगा, अब रोड जाके सेटल भी होगा। और इसको एक थोड़ा सा मसला ये भी होगा कि इसको एजुकेशन में ना ज़रा सी हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज आएंगी। हेलो, हाँ जी तो मतलब उर्दू में आप ये कह लें मुश्किलात रुकावटें आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिसकी अल्लाह ताला ने नसीब में लिख दिया हो उसको कोई नहीं तब्दील कर सकता, वो अल्लाह ही कर सकता है। इसकी वालदा को कही, जो भतीजा हुआ ना, हाँ, तो अपनी भाभी को कहिएगा कि इनके लिए एक काम तो ये करें कि हर हफ्ते के दिन, जैसे आज सैटरडे है, तो पाव भर काली दाल या काला चना अल्लाह के नाम पे इसका हाथ लगवा के किसी भी गरीब को दे दीजिए, और हर मंगल के दिन पाव भर लाल मसूर की दाल ये इनका हाथ लगवा के किसी भी गरीब को दे दीजिए। और इसके लिए वजीफा नोट फरमाइए, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा या अलीमो या खबीरो या नाफियो या रहमानो या रहीमो, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास, 50 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दें। बाकी अल्लाह करम करने वाला है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, और बेहतर होने का टाइम भी शुरू हो रहा है नेक्स्ट ईयर फैब से। ख़वातीन हज़रात, एक वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़े के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। फिर हुमायूं महबूब आपको ARY डिजिटल पे खुश आमदीद कहता है। जी, कॉलर से बात कराइएगा। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। भाई कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। मुझे मेरी सिस्टर के बारे में पूछनी है। आप यकीन और... जी बताइए अपनी बहन की। उनकी 17 मई 1992 17 मई 1992 जी, और टाइम है उनका 7:30 से 8 सुबह, नहीं रात, 7:30 से 8 आपने कहा, बीच का डालता हूँ। और कहाँ पे पैदा हुई? कराची में। कराची में, एक सेकंड दीजिए। हाँ, बहन अच्छी हैं, बाइज्जत हैं, अल्लाह इन पे करम भी करता है इनको। ये अभी कहीं जॉब करती हैं खातून? ये अभी जाती हैं करीब में क्लिनिक में करती हैं जॉब, लेकिन अभी इनका एक रिश्ता है, लड़के का नाम फहीम है। नहीं देखें, नाम ना एक हद तक होता है। अब इनकी शादी, मैं अगला सवाल जो मैं आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा था, इनकी शादी का तो योग बन रहा है। अगर लड़की की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है तो फिर मुझे बता दीजिए, फिर मैं कुछ देखने की पोजीशन में आऊंगा। है क्या लड़के? नहीं, लड़के का नहीं है, लेकिन इनका ये जो रिश्ता है उस पर अम्मी और वगैरह थोड़ा सा खोज कर रहे हैं कि करें ना करें, तो इसीलिए आपसे फोन किया है कि कैसा है, करें ना करें। देखें एक मिनट, मेरे हिसाब से ये देखें, इसमें मैं ऐसे ही आपको तुक्का मार दूं, मैं मुझसे ये चीज़ नहीं होती। इनकी शादी का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा, जून अगले साल के बाद शुरू हो रहा है, और वहाँ पे इम्कान भी है इनकी शादी के। लेकिन देखें खातून, करना ना करना, उसके लिए मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सामने वाले की भी चाहिए, ताकि मैं कंपैटिबिलिटी कर सकूं, कंपैरिजन कर सकूं, मवाजना कर सकूं कि दोनों एक दूसरे के लिए, इनके गुण, इनके लक्षण, इनके जो प्लैनेट्स हैं, सितारे आपस में मिलते हैं या नहीं। तो मैं ऐसे ही बोल दूं तो वो मुनासिब नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, इनके जायचे में कुछ ऐसी पोजीशन प्लैनेटरी बनी हुई है कि थोड़ा सा देखभाल के करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और वो जो कहते हैं ना, एक बोझ उतारने वाली चीज़, मेरे पास ऐसे ही केस आते हैं, वो शादियाँ हो जाती, शादी के लिए पहले तंग होते हैं, फिर शादी हो जाती, फिर बाद में रोते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, सब्र कर लो, थोड़ा रुक जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल
आप एक काम कीजिएगा, एक तो इनको कहिएगा हर मंगल के दिन पाव भर लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब को दे दें, कम अगर हो तो परिंदों को डाल दें, और एक वजीफ़ा पढ़ें अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में ये पढ़ें 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, और उसके बाद पढ़ें 1 मरतबा सूरह रहमान और 1 मरतबा आयतल कुर्सी, और 9 मरतबा पढ़ें सूरह कौसर, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है, जो मेरे हक़ में बेहतर हो वो कर दे। इससे अच्छी दुआ कोई नहीं होती। हमें नहीं मालूम हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हमारा रब तो सब जानता है। तो अल्लाह से दुआ मांगें, इंशाल्लाह मेरा रब मेरे पंजतन पाक के सदक़े आपकी बहन के लिए अच्छा करे और इनके लिए कोई बेहतर किस्म का रिश्ता जो है वो साबित हो। ये बाकी अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ होती तो मैं भी आपको बता देता। बहुत शुक्रिया खातून जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। हेलो जी, फरमाइए खातून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा नाम जुनैरा है, सईदा जुनैरा जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 1999। और आप कितने बजे पैदा हुई? मैं फजर के टाइम पैदा हुई थी। अरे खातून, 5:55 पे कहाँ पैदा हुई थी? खारियां। खारियां, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा ये बताएं, मुझे थोड़ा सा इवेल्युएट करना है जायचा कि आपने ये आपका यानी वालदैन का जाती घर है जहाँ आप पैदा हुई? नहीं, सीएमएच में था। वो तो आप पैदा कहीं भी हुई, मकसद ये जहाँ आप रह रही हैं ये आपके वालदैन का जाती घर है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जाती नहीं है। श्योर? हेलो जी, जाती घर नहीं है। जाती घर नहीं है तो ये 5:55 आप तो कम आ रही हैं खातून, क्योंकि अगर ये इस टाइम का जाचा है तो आपको अपने वालदैन के जाती मकान में आँख खुलनी चाहिए थी आपकी, जो मेरे हिसाब से। अब मैं इसको 6:15 पे डाल रहा हूँ, नहीं तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा। या तो आप पहले तो नहीं पैदा हुई 5:30 पे? खातून इसीलिए तो हमारा आधा पाकिस्तान फजर पे और असर पे इशा पे पैदा हुआ है, यही मैं कहता हूँ यार ये कौन सा टाइम है, क्योंकि हर जोन में टाइम चेंज होता है। मैं किस तरह वैल्यूएट करूँ? अब ये बताइए मुझे, अच्छा ये बताइए क्या 2019 से 2022 का टाइम आपको बहुत तंग कर रहा था? बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम। अच्छा क्या 2022 के अगस्त के बाद से चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी आई थी आपके? जी। अच्छा तो फिर ये आप ही का जायचा है। चले आप होल्ड रखिएगा, इनको होल्ड पे रख लो। ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुश आमदीद कहता है। ख़वातीन हज़रात हर शो में बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोलता हूँ, फिर भी आप लोग उसके ट्रैप हो जाते हैं फ्रॉड में। देखें मेरे नाम से टिकटॉक, ख़ास तौर पे जहन में रखिएगा, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मैसेंजर, सब फेक आईडीज हैं और सब पे फ्रॉड होता है। उस पे आपने कतई तौर पर अप्रोच नहीं करना। सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से, जिस पे मैं प्रिडिक्शन देता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि आजकल इस मीडिया पे तो आपको मालूम है लिमिटेड हुआ हुआ हूँ। तो आप सिवाय मेरे यूट्यूब चैनल के बाकी सब चीज़ें फ्रॉड चल रही हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे टिकटॉक हो, उस पे ना जाइएगा। और एक KRY पे मैं कंसल्ट करता हूँ, दूसरा जो मेरा ऑफिस है वो है PC होटल कराची, और वहाँ का नंबर है
3568-5501, दूसरा नंबर है 021-3568-5021, दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक ऑन होता है। इन दो नंबरों के अलावा किसी नंबर पर कॉल ना कीजिएगा, वो प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन की जगह है। और जो बैरून मुल्क से कॉल करें ओवरसीज, वो भी इन्हीं नंबरों पर कॉल करें। और ये टाइमिंग का ख्याल रखें, ये टाइमिंग ऑफ तो आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं, बंद हो जाएगा। और इतवार के दिन ऑफ होता है। मैं बैठता कम दिन हूँ लेकिन मेरा ऑफिस खुला होता है पूरा हफ्ता। तो आप जो बैरून मुल्क से कॉल करें उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि जब आप कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, जो इस चीज़ की रेमेडी है, तोड़ है। तो अगर किसी लोकल को भी शक हो तो आप बोलें कि जैसे आप उसके ट्रैप में आते हैं, किसी नंबर पे जाने की ज़रूरत नहीं, बिलफर्ज से महल आ जाएं या कुछ वो ऐसी बात बोले, बोले वीडियो पे आओ, वो खबीस सुअर आदमी भाग जाएगा क्योंकि वो धोखेबाज है। और धोखेबाज को तो मैं कहता हूँ मारना भी जायज़ है जो लोगों के साथ चीट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आप जो है, मेरा ऑफिस है, वहाँ का नंबर भी मैंने आपको बता दिया। दोपहर के 3 से शाम के 7 तक आप प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और दूसरा ये ख्याल रखिएगा, सिर्फ यूट्यूब चैनल है जी। वो खातून जो वक्फे से पहले थी वो हैं? हेलो हेलो, आप वही खातून है जो वक्फे से पहले थी? जी। अच्छा, वो 27 जनवरी वाली ना? जी जी। अच्छा, देखें आपका कैरियर इंशाल्लाह ताला, आप ये बताएं आप किस फील्ड में जाना चाह रही हैं? मैंने फैशन डिजाइनिंग की हुई है, मैं उसी में जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का? कैंडल्स का। कैंडल्स, ये मोमबत्तियाँ? जी, सेंटेड कैंडल्स। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है, काम है। आपको हर वो काम सूट करेगा जिसमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट आएगा, यानी तख्लीककारी का उनसर जिस काम में होगा वो आपको सूट करेगा। और बाहर जाने के बिल्कुल योग हैं आपके, आप चली जाएंगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। मेरे रब ने चाहा तो यकीनन आप बाहर जाएंगी। आजकल तो खैर सभी बाहर ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह आपको कामयाब करे। और आप एक काम ये कीजिए, अच्छा एक खातून जहन में रखिएगा, शादी आप कम से कम लेट करिएगा। और आप ना एक चीज़, हर हफ्ते के दिन, जैसे आज सैटरडे ना, पाव भर काली दाल अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए। और आप अपने रिस्क और कैरियर के लिए पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 100 मरतबा या जुल जलाल वल इकराम, 100 मरतबा मुकम्मल इस्तगफार, 100 मरतबा हसबुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। और इसके बाद आपने 9 मरतबा सूरह नसर तिलावत करनी है, पढ़ना है वजीफ़ा मखसूस अयाम के अलावा, रोज़ पढ़ना है। और अल्लाह से रिस्क के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आप पे बहुत करम नवाजी करेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये तो तय है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है कि आपने अब्रॉड जाना है फ़ौरन में और वहाँ जाके सेटल होना है इंशाअल्लाह उल्लदीज़। बहुत शुक्रिया खातून, अल्लाह हाफिज़। दूसरे कॉलर से बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। माइन भाई कैसे हैं आप? आपकी दुआएं खातून, अल्लाह का करम। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह का आपको बहुत कामयाब। मैं तो कहती हूँ आपका जो प्रोग्राम है सारा दिन भी चले, लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला बस देखें खातून, अल्लाह का करम, कामयाबियां दें जो आप लोग दूसरों के लिए खैर के और आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए इंशाल्लाह, यकीनन अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरमाइए खातून, आप क्या पूछना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ? बेटा है तो ना, वो दीनी और दुनियावी दोनों चीजों में इसका दिल नहीं लगता ना, कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अच्छा, लेकिन उसका दिल नहीं लगता ना दीनी और दुनियावी रूम में, वो फल वगैरह कुछ। मैं बताता हूँ, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम। उसके बाद ना उसने फल वगैरह मेरी बहन माशाल्लाह बड़ा भी। नहीं नहीं, उसकी तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश बताइए, फिर मैं देखता हूँ।
बताइए। 6 दिसंबर 2008 2008 वक्त सुबह 6 बजे शेखपुरा में। शेखपुरा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इनको तो बता दूं। इस बच्चे के लिए आप इंच भर भी अपने आप को टेंशन ना दें। ये असल में अच्छा, एक तो इसको आज के बाद ना वाइट और ब्लैक कलर ना पहनाइएगा। ये बेहतरीन बच्चा होगा फ्यूचर में, और अल्लाह ताला इस पे इतना मेहरबानी करेगा, इतनी करम नवाजी करेगा जो आपके सोच और तसव्वुर में भी नहीं है। और आज के बाद इसको काला और सफ़ेद रंग ना पहनाइएगा। अब एक आपको मैं टोटका बता रहा हूँ, इसके हाथ से ना कोई भी आप हफ्ते, अच्छा इनको होल्ड पे रख लो, इनको मैं पूरा मुतमईन करता हूँ। खातून आप होल्ड पे रहें, मेरा इजाज़त का टाइम आ रहा है, मैं आपको प्रोग्राम ऑफ करने के बाद आपको बताता हूँ इस बच्चे के मतलब पूरा। तो ख़वातीन हज़रात, वक्त अपने इख्तिताम की तरफ गामजन हो चला है, और इस दुआ जो मैंने आपसे कहा है कि सिवाय मेरे यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के अलावा, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे लिंक्डइन हो, मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम हो, सब फेक फ्रॉड झूठ है, उस पर ना जाइएगा। और मुझ तक अप्रोच करने का मैंने आपको बता भी दिया तरीक़ा, कि पीसी होटल कराची, वहाँ के नंबर भी बताए अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम, जब ये अपलोड होगा तो उसमें सुन लीजिएगा। और सिर्फ ARY डिजिटल की वेबसाइट पर देखिएगा, और किसी अदर चीज़ पर ना देखिएगा ये प्रोग्राम को। तो इस दुआ के साथ, और मैंने ये भी कहा था कि जो है वो जो ओवरसीज़ के लिए कहा था कि जब वो कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि वीडियो पे हुमायूं साहब को दिखा दीजिए इंशाल्लाह ताला, ताकि धोखे का अंदेशा ना रहे। वो मेरी प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन की जगह है, ज़ाहिर 5-स्टार होटल है। और कल सुबह 10 बजे इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के हर मुहिब वतन पर अल्लाह अपना ख़ास रहम करम करे। और मेरे अल्लाह जो इस मुल्क के बदख्वाहें या बुरा चाहते हैं, या जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, उनको अल्लाह ताला नस्लों समेत दुआए मेरी पंजतन पाक के सदक़े नीस्त तो नाबूद करे इंशाल्लाह। और मेरे मुल्क पे अल्लाह हमेशा अपना रहम करे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा पर, और ख़ास तौर पर मेरे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई और कश्मीरी, आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।